बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं मोहम्मद फाइक। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। शहरी अभी लाइसेंस बनवा लें, लाइसेंस की पुरानी फीस 9 जनवरी तक बरकरार, 10 जनवरी से फीसों में कई गुना इजाफा मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब की गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेरे निगरानी साल 2023 में पंजाब पुलिस की क्या कारकर्दगी रही, जानिए बुलेटिन में। पंजाब पुलिस का बेजुबानों के लिए बनाया गया पहला अस्पताल, पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर बना, साल 2023 की बड़ी खबरों का हिस्सा। मारूफ मीडिया एजेंसी संडे टाइम ने पंजाब पुलिस के जानवरों के हकूक के लिए इकदाम को 2023 की बड़ी कामयाबियों में शुमार किया। मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रजाक का खूबसूरत दीदा जेब और आरामदेह फर्नीचर से आरास्ता थाने का विजिट, तफसीलात बुलेटिन का हिस्सा। पंजाब भर से गुज़िश्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 1,14,900 इमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई, 6,927 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 86,400 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 5,467 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,178 मशहूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। विमेन सेफ्टी ऐप के जरिए 2 खातीन को पुलिस की मदद फराहम की गई। शहरी अभी लाइसेंस बनवा लें, लाइसेंस की पुरानी फीस 9 जनवरी तक बरकरार, 10 जनवरी से फीसों में कई गुना इजाफा मुतवक्के। वज़ीर-ए-आला पंजाब की गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। आज पहली जनवरी से फीस में कई गुना ज्यादा इजाफा हो गया ट्रैफिक लाइसेंस की, और जो 60 रुपए वाली चीज़ है वो डेफिनेटली 500 रुपए, बिकॉज हमें कॉस्ट जितनी करती है हम एटलीस्ट अपनी कॉस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 2 साल 2000 रुपए कर रहे हैं, और 2 अनाउंसमेंट उसके लिए करना चाह रहा हूँ। एक तो हम इनक्रेज करना चाहते हैं लोगों को कि वो अपने लाइसेंस इसी तरह बनाएं जिस तरह बन रहे हैं, तो इसके लिए 9 तारीख तक हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं कि पुरानी फीसें लेंगे, 10 तारीख से अब नई फीसें लेना शुरू करेंगे। तो 9 दिन के लिए आपको रिलीफ दे रहे हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, कई गुना ज्यादा फीसों से बचें और अपने लाइसेंस बनवाएं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेरे निगरानी साल 2023 में पंजाब पुलिस की कारकर्दगी पर एक नजर। गुज़िश्ता बरस के दौरान सूबे भर में मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक 20,000 प्रमोशंस दी गईं। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को फीस में रियायत के लिए 8 तालीमी नेटवर्क्स के साथ MOUs साइन, 85 करोड़ रुपए तालीमी स्कॉलरशिप्स की मद में जारी किए गए। सूबे के तमाम 737 पुलिस स्टेशन को स्पेशल इनिशिएटिव प्रोटोकॉल पर मुंतकिल किया गया। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 40 स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर की मंजूरी दी गई। नए थानों की तामीर के लिए पंजाब हुकूमत से मुनासिब प्लॉट्स और जगहों की मंजूरी भी ली गई। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 115 फ्री ड्राइविंग स्कूल्स का क्याम अमल में लाया गया। 39 तहफ़ मराकज और 37 मिसाक सेंटर्स और 103 नए लाइसेंस सेंटर्स का क्याम अमल में भी लाया गया। मेरा प्यारा ऐप के जरिए 450 गुमशुदा बच्चों और अफराद को घर वालों से मिलवाया। जुल्म और ज्यादती के शिकार पालतू जानवरों की मदद से और इलाज के लिए लाहौर में पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर का क्याम अमल में लाया गया है। 71 हस्पतालों के साथ MOUs साइन, पुलिस फोर्स और उनके अहले खानों को इलाज मुआवजे में सहूलत हासिल हो रही है। 1315 मेडिकल केसेस पर 20 करोड़ रुपए बतौर फाइनेंशियल असिस्टेंस खर्च किए गए। पुलिस फोर्स की 100% हेल्थ स्क्रीनिंग मुकम्मल, 1,90,312 एहलकारों की हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन भी की गई। 526 शहदा की फैमिलीज को जाती घरों की तामीर के लिए प्लॉट्स भी दिए गए। पंजाब पुलिस का बेजुबानों के लिए बनाया गया पहला अस्पताल, पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर बना, साल 2023 की बड़ी खबरों का हिस्सा। मारूफ मीडिया एजेंसी संडे टाइम ने पंजाब पुलिस के जानवरों के हकूक के लिए इकदाम को 2023 की बड़ी कामयाबियों में शुमार किया। तफसीलात खसूसी रिपोर्ट में। पंजाब पुलिस का एनिमल रेस्क्यू सेंटर साल 2023 के बेहतरीन 7 कामों में शामिल हो गया। मारूफ मीडिया एजेंसी संडे टाइम्स ने पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर को 2023 के बेहतरीन इकदामात की फेहरिस्त में शामिल किया। पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर में अब तक सैकड़ों बेजुबान जानवरों का इलाज किया गया। इंसदादे तहफ्फुज़े जानवर एक्ट 1890 के तहत जानवरों पर जुल्म की पादाश में मुतअद्दिद मुकदमात भी दर्ज किए गए।
पंजाब पुलिस ने लाहौर के बाद गुजरांवाला और रावलपिंडी में भी पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर कायम किए और इनका दायरा कार पंजाब भर तक फैलाया जा रहा है। महकमा माहौलियात और सीएफसीडी स्मॉग रेडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मॉग रेडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर 217, पंजाब यूनिवर्सिटी का AQI 190 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 197 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मॉग मुख्तलिफ अमराज का बायस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। जब भी बाहर निकलें, मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। रोजमर्रा रूटीन में वाफिर मिकदार में पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें। मोमर अफराद बिलखसूस इमराज चश्म और दमे में मुबतला मरीजों को इंतहाई एहतियात की जरूरत है और कूड़े को हरगिज आग ना लगाएं। ये स्मोग में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोग के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। CPO फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली जिया ने मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रजाक को खूबसूरत दीदा जेब और आरामदेह फर्नीचर से आरास्ता थाने का विजिट करवाया। तफसीलात जानिए इस वीडियो में। इस वक्त मैं फैसलाबाद में मौजूद हूँ और आपको लग रहा होगा पता नहीं फाइव स्टार होटल में बैठा हूँ, पर ये पुलिस स्टेशन है फैसलाबाद में और CPO साहब के साथ बैठा हुआ हूँ। और IG पंजाब मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सोचा, पाकिस्तानी पुलिस के लिए सोचा और अवाम के लिए सोचा। मैं समझता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है। इससे एक तो एक इमेज जो था पुलिस का वो उसमें काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे भी आप आएँ, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकता है, आपको यहाँ पे इग्नोर करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, आपकी लुक आफ्टर होगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बड़े अच्छे तरीके से सुनी जाएगी और कंप्यूटराइज आपको सारी चीज़ें गाइडनेस भी मिलेगी और आपको जो प्रॉब्लम है उसका हल भी निकलेगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए विजिट कीजिए पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के ऑफिशियल पेजेज़।